जब बच्चे 10th और 12th पास आउट होते हैं और पास आउट होने के बाद कॉलेज में आते हैं और कॉलेज में उनका दाखिला होता है और एडमिशन होता है, तो जो कॉलेज का फर्स्ट डे होता है उस दिन जब कॉलेज में जाते हैं तो उनके मन में कैसा फीलिंग आता है उसको समझिएगा और मीठी मीठी बातों के साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा। दोस्त होता क्या है, जब एक लड़का कॉलेज में पहला दिन जाता है और कॉलेज में एंट्री लेता है तो कैसा फीलिंग आता है, जब लड़का जो है किसी को देखता है और वो उसको देखती है और ये उसको देखता है, जब नजर को नजर की नजर जब मिलती है तो क्या होता है दोस्त सुनिएगा। पहली बार देखा तो लगा कि मेरी है, पहली बार देखा तो लगा कि मेरी है, उसकी आंखें समुन्द्र से भी गहरी है। पहली बार देखा तो लगा कि मेरी है, उसकी आंखें समुन्द्र से भी गहरी है। मैं प्रपोज कर करके मैं प्रपोज कर करके थक गया, बाद में पता चला कि वो तो बहरी है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आदाब, सुप्रभात, शास्त्री का राम राम, राधे राधे, मैं तिवारी सर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तिवारी मैथ्स पटना पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे 3, 6 और 9 का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर कैसे करेंगे और वो भी विदिन सेकंड, चुटकियों में कैसे करेंगे 3, 6 और 9 का स्क्वायर और उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद भी 1 का कैसे स्क्वायर होगा वो भी विदिन सेकंड, उसके बारे में आज का जिक्र होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले 3, 6 और 9 और इसका इंडिविजुअली आपको स्क्वायर करना है तो सबसे पहले कुछ चीजें से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, रूबरू कराना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी इससे परिचित होंगे। जैसे कि लिखा हुआ मिले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप लोग तो इससे बहुत अच्छे तरह से परिचित होंगे। तो देखिए दोस्त, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 4 है, 3 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 4 है, अगर आपसे कोई पूछे कि 5 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 6 है, आपसे कोई पूछे कि 6 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 7 है, आपसे कोई पूछे कि 7 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 8 है, 8 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 9 है, आपसे कोई पूछे कि 0 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 1 है। अब एक और बात भी इसमें आ सकता है कि कोई अगर पूछे आपसे कि 4 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है, 3 है, 4 से तुरंत छोटा कौन है, 3 है, 6 से जस्ट छोटा कौन है, 5 है, 9 से जस्ट छोटा कौन सा, 8 है, 8 से जस्ट छोटा कौन है, 7 है। अगर कोई पूछे कि 1 से जस्ट छोटा कौन है, 0 होगा, 0 से जस्ट बड़ा 1 से जस्ट छोटा 0। इस बात से तो आप लोग एग्री हो गए और इस बात को तो आप जान गए। तो देखिए कैसे, अगर आपको दिया रहे कि 9 का स्क्वायर तो बताइए 9 का स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, आपसे कोई कहे 81 होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। अगर आपसे कोई पूछ ले तो बताइए 99 का स्क्वायर बता दीजिए, 2 टाइम्स 9 का, तो आप बताइए क्या होगा, आप तो 9 का स्क्वायर निकाल दिए कि 81 होता है, लेकिन आपको अगर कोई पूछ दे कि 99 का स्क्वायर बताइए, 2 टाइम्स 9 का बताइए, तो लगेगा बता रहे हैं, ऐसे नहीं ना होता है। देखिए दोस्तों ऐसे होता है, 99 का स्क्वायर ना पूछा गया है, आप तो जानते हैं कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, ये भी नहीं जानते, जानते हैं। अब करना क्या है आपको कि देखिए 81 तो लिखा हुआ है तो इसमें राइट और लेफ्ट जानते हैं कौन होता है, राइट जिससे खाते हैं, लेफ्ट तो जानते करते हैं क्या होता है, उसे क्या करते हैं, तो राइट कौन होता है जिससे आप खाते हैं, तो ये कौन हुआ राइट, इधर वाला कौन राइट, इधर वाला कौन लेफ्ट, इधर वाला कौन राइट, तो राइट कौन है, 1 है और 8 क्या है, लेफ्ट है, तो इसमें राइट ये वाला है और लेफ्ट कौन है, 8 है। बिल्कुल समझ पाए होंगे और मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, बोलिए हाँ या नहीं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्त। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए इसको इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो 9 का स्क्वायर मैंने किया तो 81 आया और 81 जो लिखा हुआ है राइट में कौन सा डिजिट है, 1 है, लेफ्ट में कौन डिजिट है, 8 है। तो देखिएगा तो आप जानते हैं कि एक अंक का स्क्वायर किया है तो कितना आया है, 2 अंक, तो 2 को करेंगे तो कितना आएगा, 4 को, अरे बोलिए ना 4 को आएगा, आएगा, अरे एक आप हो गए और आपकी छोड़िए उसको बात। देखिए टू द पॉइंट आते हैं, तो 9 का स्क्वायर मैंने किया तो 81 आया, 1 का स्क्वायर किया तो 2 आया, 2 का कीजिएगा तो 4 आया, 4 का कीजिएगा 16 आया, ऐसा नहीं। देखिए तो 9 का स्क्वायर मैंने किया तो 81 आया, यहां देखिए 9 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आएगा ना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी घबराहट नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। देखिए
तो 9 का मैंने स्क्वायर किया तो 81 आया। जस्ट मैंने अभी बताया, अब इस चीज का जिक्र किया था कि इससे ये वाला क्या होता है, राइट वाला होता है, ये वाला क्या होता है, लेफ्ट वाला होता है, होता है ना। अब करना क्या आपको, एक अंक का स्क्वायर मैंने किया तो 2 अंक आया है, तो 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 को नहीं आएगा, आएगा। अब करना क्या है आपको, राइट वाला से जस्ट छोटा लेना है, राइट वाला से क्या करना है, राइट वाला से जस्ट छोटा लेना है, क्या लेना है, छोटा, और लेफ्ट वाला से क्या करना है, जस्ट बड़ा लेना है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन स्लोली स्लोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, एकदम लाहे लाहे समझने की कोशिश कीजिएगा, धीमी धीमी कदमों से, धीमी धीमी चलते देखिएगा क्या करना है। 9 का स्क्वायर मैंने किया तो क्या है, 81 आया, 1 अंक का स्क्वायर मैंने किया तो 2 अंक में आया। अब देखिए करना क्या है, एक तो राइट होता है और एक क्या होता है, लेफ्ट होता है। अब राइट वाला से क्या करना है, एक छोटा लेना है, और लेफ्ट वाला से क्या करना है, एक बड़ा लेना है। अब देखिए 1 अंक का स्क्वायर किया तो 2 अंक आया, तो 2 का करेंगे तो 4 आएगा, और बाकी कितना रिमेनिंग डिजिट कितना है आपका, एक ही ना है, तो 1 अंक का स्क्वायर कितना करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही बनाएगा। तो देखिए अब देखिए राइट वाला से क्या करेंगे, एक छोटा लेंगे और लेफ्ट वाला से एक बड़ा लेंगे, तो राइट का क्या है, 1 है, तो 1 से जस्ट छोटा मैंने क्या बताया, तो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन कितना अंक बचा है, रिमेनिंग शेष कितना बचा है, 1 का तो कर दिया ना, नहीं, एक ही ना बचा है, तो 1 को बचा है, तो 1 को छोटा, 1 को बड़का, क्या करना है, 1 को छोटा लिखेंगे और 1 को बड़का लिखेंगे। तो छोट किससे छोट, राइट वाला से एक छोटा, तो 1 से छोटा क्या होता है जनाब, 1 से छोटा 0 होता है, मैंने नहीं बताया है। और 8 से बड़ा क्या होता है, 8 से जस्ट बड़ा क्या होता है, 9 होता है। कोई दिक्कत है, मैंने अभी बताया 9 का स्क्वायर 81 होता है, और रिमेनिंग कितना अंक बचा है, बचा 1 अंक है, 1 अंक का तो मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये 2 आया, तो 1 अंक का फिर करेंगे तो 2 आएगा ना। तो करना क्या है, राइट वाला से एक छोटा लेना है, दाहिने वाला से एक छोटा लेना है, आप बाएं वाला से क्या करना है, एक बड़ा। यहां अगर 2 को अंक रहता तो 2 को 0 देते, या 2 को क्या देते, 9 देते, अगर 3 अंक रहता तो 3 को देते। अब आपके स्क्रीन पर अगर दिखे कि 4 टाइम्स रहे जनाब, कितना रहे, 4 टाइम्स रहे, 4 टाइम्स का अगर स्क्वायर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताइएगा। अब चुटकियों में बताना होगा, ये नहीं कि बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, चुटकियों में बताना है आपको। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और ये क्या होता है, राइट वाला होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट वाला होता है। अभी मैंने बताया कि 4 को अंक था, 4 को 9 था, कितना टाइम्स 9 था, 4 टाइम्स 9 था, 4 टाइम्स 9 में से 1 9 का स्क्वायर मैंने कर दिया, बचा कितना रिमेनिंग, 3 को, तो 3 को क्या करेंगे, इससे जस्ट छोटा ना लेंगे, क्या लेंगे, छोटा, तो छोटा क्या लेंगे, इससे छोटा अंक कितना बार लेंगे, 3 बार लेंगे, कितना बचा है, 3 बार 9 बचा है, तो 3 बार क्या लेंगे, यहां इससे छोटा लेंगे, तो 1 से छोटा क्या होता है, 0, तो 0 कितना बार, 3 बार, 1 2 3, काय 3 बार, काय कि 3 को अंक बचा है, तो 3 बार छोटा अंक, और फिर 3 बार क्या लेंगे, बड़ा अंक लेंगे, तो 8 से बड़ा क्या होता है, 9, तो 8 से बड़ा 9, तो कितना बार, 3 बार, 1 2 3, इट इज आवर आंसर। कोई पूछते कि आप बताइए जनाब, 2 टाइम्स 6 लिखा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 टाइम्स 6 लिखा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स 6 लिखा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 5 टाइम्स 6 लिखा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, जरा बताइएगा। आप जानते हैं कि 1 को 6 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 36, 6 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा, ये मेरा होगा राइट वाला, और ये क्या होगा, लेफ्ट वाला। ये 2 को अंक था, 1 अंक का मैंने क्या किया, स्क्वायर कर लिया, तो बचा कितना, एक ही ना बचा, तो 1 अंक का स्क्वायर किया, 36 आया, बचा कितना, 1। अब करना क्या है, इससे जस्ट आपको क्या करना है, छोटा लेना है, तो बताइए इससे छोटा जो है, 6 से छोटा क्या होता है, 5, और कितना बचा है अंक, 1, 1 अंक बचा है, कितना बार 5 लिखेंगे, 1 बार। अब इससे क्या, लेफ्ट वाला से क्या करेंगे, बड़ा लेना है, तो 3 से बड़ा क्या होता है, 4 होता है, और कितना बचा है अंक, 1, तो 1 बार बचा है, 1 बार 4 लेंगे। वैसे ही सेम है, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36, ये लेफ्ट वाला होगा, ये क्या होगा, राइट वाला, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो बचा कितना, 2 ही बनना बचा जी, तो 2 को बचा, तो इससे क्या करना है हमको, जस्ट छोटा लेना है, 6 से क्या करना है, राइट वाला से छोटा लेना है, और वो भी कितना बार, 2 बार बचा है, तो 2 बार, तो 6 से छोटा क्या होता है, 5, तो कितना बार, 2 बार, और 3 से क्या करना है, बड़ा लेना है, तो 3 से बड़ा क्या होता है, 4 होता है, और कितना बार लेंगे, 2 बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 5 टाइम्स 6 है, तो इसका अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। अरे बोल नहीं रहे सरकार, आप लोग बोलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए अब 1 टाइम्स 6 का अगर स्क्वायर करेंगे 1 टाइम्स 6 का, तो 36 होगा। अब इससे क्या करना है, इससे जस्ट छोटा ले लेना है, और कितना बार लेना है, जितना बार 6 का स्क्वायर नहीं हुआ होगा, कितना बार नहीं हुआ, 1 2 3 4, 4 बार नहीं हुआ है, 1 2 3 4, इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 बार नहीं हुआ है, तो इससे क्या लेना है, छोटा, कितना बार, 4 बार, तो 6 से छोटा क्या होता है, 5, तो 1 2 3
चार, चार और पांच लिखा मैंने। अब इससे क्या लेना है, बड़ा लेना है, और कितना बार, चार बार, तो तीन से बड़ा क्या होता है, चार होता है, तो कितना बार, एक दो तीन चार, इट इज आवर आंसर। मैंने सिक्स और नाइन का स्क्वायर करना सिखा दिया, आप कहिएगा तीन का तो सीखे भी नहीं थे, आइए तीन का भी सीख लेते हैं, नहीं तो आपके मन में हलचल सा चल रहा होगा कि तीन का तो सर सीखे भी नहीं किए, लेकिन तीन का जरूर सिखाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अगर कोई कहे तीन का स्क्वायर बताइए क्या होता है, नौ होता है, तो अभी जस्ट मैंने इस बात का जिक्र किया था तो उसमें नौ का स्क्वायर किया था तो 81 आया था, सिक्स का स्क्वायर किया था तो 36 आया था, उसमें टू डिजिट थे, तब तो राइट और लेफ्ट होता था, अगर अगर इसमें वन ही डिजिट है तो लेफ्ट राइट कहां से निकालिएगा, ये तो टेंशन की बात है। तो एक बात बताइए, नौ को अगर हम लिख रहे हैं तो नौ के बाद जीरो लिखेंगे तो क्या पड़ेगा दोस्त, नौ पढ़िए, 90 पढ़िएगा, 90 तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा, 9 और 90 में काफी डिफरेंस है, 10 टाइम्स का डिफरेंस है, 10 गुना का डिफरेंस है, तो 9 के बाद 0 लिखना सही है, बिल्कुल गलत है, तो 9 से पहले लिख सकते हैं, पर देखते हैं इससे पहले अगर 0 लिख देते हैं तो इसको क्या पढ़िएगा, 9 ही ना पढ़िएगा, 0 9 को क्या पढ़िएगा, 9 पढ़िएगा। तो देखिए तो इसके पहले 0 लिख सकते हैं ना हम, तो ये क्या हो गया मेरा राइट वाला हो गया, और ये क्या हो गया लेफ्ट वाला हो गया। तो चलिए देखिए अगर 2 टाइम्स 3 रहे तो इसका अगर स्क्वायर कोई पूछे तो क्या कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 के पहले 0 लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया मेरा राइट वाला, और ये क्या हो गया लेफ्ट वाला, ये क्या हुआ राइट वाला, ये क्या हुआ लेफ्ट वाला। अब 2 को 3 था, 1 3 का तो मैंने स्क्वायर कर लिया, बचा कितना 1, 1 3 बचा, अब इससे क्या लेना है जस्ट छोटा लेना है, और इससे क्या लेना है जस्ट बड़ा लेना है, इससे जस्ट छोटा लेना है, और इससे जस्ट क्या लेना है बड़ा लेना है, तो बताइए 9 से जस्ट छोटा कौन सा डिजिट होता है 8, क्या होता है दोस्त 8 होता है, तो 8 लिख दिया, और 0 से जस्ट बड़ा कौन सा डिजिट होता है 1 होता है, 1089, क्या मैंने सही पढ़ाया गलत, बिल्कुल सही। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 4 टाइम्स 3 है तो इसका स्क्वायर बताइए, तो जस्ट मैंने जिक्र किया तो इसमें क्या रखा है जनाब, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9, तो इससे पहले क्या 0 लगा सकते हैं, बचा कितना 3 को डिजिट ना बचा, अरे 3 को ना बचा है भाई, ये 3 को ना बचा है, तो इससे जस्ट क्या लेना है छोटा डिजिट लेना है, जस्ट छोटा अंक लेना है, तो 9 से छोटा क्या होता है 8, वो भी कितना बार 1 2 3 बार, तो कितना बार 8 लिखेंगे 1 2 3, और इससे 0 से क्या लेंगे जस्ट बड़ा लेंगे, तो 0 से जस्ट बड़ा क्या होता है 1 होता है, तो कितना बार लेंगे 3 बार, तो 1 2 3 ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक करें और इस तिवारी मैथ्स पटना चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चा हमसे जुड़े और ये क्वेश्चन को देखे, देखेगा तभी तो क्वेश्चन जाके बनाएगा, तो अधिक से अधिक आप लोग अगर फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, तब तो कैसे कोई देखेगा, ये नहीं कीजिए कि सर पढ़ा रहे हैं तो हम ही वो पढ़ लें, ऐसा मेंटेलिटी बिल्कुल आपका नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हम आपको हमेशा की तरह अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि यूट्यूब पर बहुत कम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, हम जैसे हजारों टीचर है लेकिन उन हजारों में तिवारी सर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है आज के लिए इतना ही।